Let's see another character function getc. In that case, getc function ka working almost same as getchar functions, excepting some differences here. Getchar ke case mein ne just discuss kiya tha, totally four steps perform kiye the. First one, reading single character from a standard input buffer std in only. In getc function ke case baat kar rahe hain, getc function ke through bhi single character read hoga, but by using from any buffer. Getchar function ke liye fixed tha always from std in, lekin getchar function ke through koi bhi single character kisi bhi input buffer se read karna possible. Suppose that अगर स्टैंडर्ड इनपुट बफर और एनी बफर अगर कंसोल डिवाइस कीबोर्ड से कनेक्टेड है, देन getchar के getc के थ्रू डेटा किस प्लेस रीड होगा? फ्रॉम कंसोल डिवाइस कीबोर्ड. अगर सेम कनेक्शन किसी फाइल के साथ एस्टैब्लिश्ड है, अगर सेम बफर किसी फाइल को रिप्रेजेंट करे, देन उसके साथ कैरेक्टर रीड होगा फ्रॉम अ फाइल, नॉट अ बफर. लेकिन getchar के केस में फिक्स था ऑलवेज इट कैन रीड्स ओनली डेटा फ्रॉम ओनली फ्रॉम std इन ओनली. इन getc के थ्रू डेटा किसी भी इनपुट बफर से रीड करना पॉसिबल है. getc फंक्शन डिटेल्स में देखेंगे इन केस ऑफ फाइल हैंडलिंग, बिकॉज फाइल हैंडलिंग के केस में getc फंक्शन के थ्रू डेटा रीड करेंगे फ्रॉम अ फाइल. इन getchar फंक्शन के थ्रू डेटा ओनली कीवर्ड से रीड करना पॉसिबल. देयरफॉर वी आर स्पेसिफाइंग हियर, इट कैन रीड वन कैरेक्टर फ्रॉम एनी इनपुट बफर. अगर ये बफर कीबोर्ड से कनेक्टेड देन डेटा किस प्लेस रीड होगा? फ्रॉम कीबोर्ड. अगर ये बफर फाइल से कनेक्टेड देन डेटा किस प्लेस रीड होगा? फ्रॉम अ फाइल. वन मोर थिंग्स स्पेसिफाइंग हियर, getc इज अ मैक्रो फंक्शंस. मैक्रो मीन्स प्री प्रोसेसिंग फंक्शंस. जनरली प्री प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे सेपरेट यूनिट प्री प्रोसेसर. टिल नाउ वी आर होल्डिंग दिस कॉन्सेप्ट. हियर वी आर डिस्कसिंग ओनली लिटिल फ्यू अमाउंट्स और फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग मैक्रोस. getchar के किस बात करें, getchar क्या है? लाइब्रेरी फंक्शंस, वेयर getc इज अ मैक्रो फंक्शंस. दोनों डिफरेंसेस क्या हैं? जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन कॉलिंग के केस में एग्जीक्यूशन कंट्रोल रैम के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर स्विच होता है. लेकिन अगर मैक्रो की बात करें तो मैक्रो के केस में कंट्रोल स्विच न होकर कोड का सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म एट द टाइम एट द प्लेस ऑफ कॉलिंग. इस केस में कंट्रोल जम नहीं हुआ, इसलिए एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करें, इसे कंपेयर टू getchar इट विल प्रोवाइड फास्ट एक्सेस. लेकिन इसके लिए भी कुछ लिमिटेशन होंगे, जस्ट बाद में डिस्कस करें अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन getchar एंड getc. बिफोर दैट लेट्स सी थर्ड पॉइंट. मींस इसका वर्किंग क्या एग्जैक्टली सेम, इट विल रीड सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम एनी इनपुट बफर, नॉट ओनली std इन एनी इनपुट बफर. आफ्टर रीडिंग सिंगल कैरेक्टर इट विल ऑल्सो रिटर्न ASCII वैल्यू ऑफ रीडिंग बाइट्स. इफ बफर इज एम्प्टी देन इट विल वेट टिल द इनपुट इज एंटर्ड. अदर केस आफ्टर रीडिंग वन वर्ड इट विल ऑल्सो मूव बफर पॉइंटर ऑन द नेक्स्ट पोजिशन ऑन नेक्स्ट वर्ड इन द बफर. डिफरेंसिस क्या हैं दोनों में? getchar इज अ फंक्शन एंड getc इज अ मैक्रो फंक्शन. जनरली पॉइंटर्स के केस में डिस्कस करें, किसी भी फंक्शन को एक्सेस करने के या कॉल करने के टू अप्रोच होते हैं, आइदर बाई यूजिंग फंक्शन नेम और बाई यूजिंग फंक्शन पॉइंटर्स. getchar फंक्शन है इसलिए इसका फंक्शन पॉइंटर क्रिएट करके getchar फंक्शन को नेम के थ्रू भी एक्सेस करना पॉसिबल, फंक्शन पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस करना पॉसिबल होगा. लेकिन getc के रिस्पेक्ट में बात करें, getc मैक्रो फंक्शन है और मैक्रो फंक्शंस के कभी भी पॉइंटर्स क्रिएट करना पॉसिबल है. हेंस इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड, मींस getc कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग देयर पॉइंटर्स. इट कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय यूजिंग फंक्शन नेम्स. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. परफॉर्मेंस वाइज बात करें, परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट केस क्या रहेगा? getc कंपेयर टू getchar, क्यों? getc के केस में कंट्रोल कभी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर स्विच नहीं हुआ, जबकि getchar के केस में ड्यूरिंग फंक्शन कॉलिंग कंट्रोल विल बी स्विचेज फ्रॉम कॉलिंग प्लेस टू कॉल्ड प्लेस. लाइक दिस सम डिफरेंसेस, रीड दिस देन सॉल्व दिस एग्जांपल रिगार्डिंग getc सम कॉम्बिनेशन ऑफ getc getchar एज वेल एज वी आर राइटिंग हियर f प्लस फंक्शंस बाय सप्लाइंग std इन. क्लियर? वी आर सॉल्विंग दिस एग्जांपल बाय फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टैंडर्ड इनपुट ऑफर std इन. इस केस में, इस एग्जाम्पल की केस में बात करें, जस्ट मैंने डिस्कस किया था std getc फंक्शन के थ्रू डेटा किसी भी बफर से रीड करना पॉसिबल. लेकिन अभी तक मैंने फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं अदर बफर को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता. ओनली वर्क करेंगे अगेन बाई यूजिंग std इन. इस केस में एक और डिफरेंस क्या है, getc के अंदर हमेशा सप्लाई क्या करेंगे? एक्स्ट्रा आर्गूमेंट नेम ऑफ द बफर, मीन जिस बफर से डेटा रीड करना, जबकि getchar के केस में कभी भी कोई एक्स्ट्रा आर्गुमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, बिकॉज getchar ऑलरेडी प्री कनेक्टेड है विद std इन.
जबकि गेट सी फंक्शन को रन टाइम पर ड्यूरिंग फंक्शन कॉलिंग किसी भी ओवर से कनेक्ट करना पॉसिबल है। अगेन जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले परफॉर्म क्या हुआ, एस्टैब्लिशिंग लॉजिकल कनेक्शन विद कीबोर्ड। हियर वी आर कंसीडरिंग दिस होल पार्ट एज टोर सी प्रोग्राम इनसाइड रैम। व्हेनेवर दिस प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड, जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले परफॉर्म क्या हुआ, एस्टैब्लिशिंग लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन प्रोग्राम एंड कंसोल डिवाइस कीबोर्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बफर, दिस बफर लॉजिकली कंसीडर्ड एज एसटीडी इन, सम बाइट्स हियर एंड सो ऑन। Then how many variables are declared for that program? There are 5 variables. Before that, regarding this program, we are writing some monitor device. Standard output device monitor. Monitor ke respect mein create kya hua? One more logical connections. Two more logical connection. STD out, STD ERR. STD out or STD ERR ke baare mein baad mein discuss karenge, just during output functions. फर्स्ट वन, जैसे इस प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो इसके अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कराएंगे इट्स लोकल वेरिएबल्स पी क्यू आर एस टी इनसाइड स्टैक मेमोरी। हियर नो नीड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेटली स्टैक इन दैट केस। रैम मेमोरी के अंदर 5 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे पी क्यू आर एस टी PQRST. What is the initial value of PQRST? All local variables are initialized by default value garbage. Here we are considering some garbage value. Next one, second statement, printf. Printf ka working kya hai, using std out displaying this message on the monitor. The monitor ke case mein initially kya display ho jayega, enter first character. इन इस केस में स्लैश एन यूज किया, स्लैश एन के अकॉर्डिंग कर्सर का सेंड ऑन द नेक्स्ट पोजीशन और नेक्स्ट पर नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट वन वी आर कॉलिंग गेट सी फंक्शन। गेट सी फंक्शन का वर्किंग क्या, रीडिंग सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम स्पेसिफाइड बफर। वी आर स्पेसिफाइंग बफर नेम एज एस टी डी इन। बफर का नेम क्या स्पेसिफाई किया इस केस में, एस टी डी इन। इसलिए पर्टिकुलर फंक्शन इंटरेक्ट किससे हो रहा है, प्री डिफाइंड बफर कॉल्ड एज std in, लेकिन std in initially empty found हो रहा है इसलिए इसके साथ required क्या हुआ, entering some amount of data, suppose that ने keyword के through कोई data enter किया something a b c d and enter key, means keyword से currently press क्या किया a b c d and enter key, how many characters are entered, there are 5 characters। इसे कैरेक्टर्स जो भी आपने कैरेक्टर एंटर किया मॉनिटर विंडो पर डिस्प्ले हुआ इसलिए मैंने मॉनिटर के केस में सेपरेटली शो किया है। देन फर्स्ट केस में सारी क्या आस्की वैल्यू ऑफ ए अगेन 65 66, सेम एज प्रीवियस नथिंग न्यू इज हियर 66 7 8, इन केस ऑफ स्लैश एन न्यू लाइन स्लैश 10। इनिशियली पॉइंटर पॉइंट करें ऑन द फर्स्ट बाइट। नेक्स्ट वन, देन इमीडिएटली गेट सी फंक्शन सिंगल बाइट रीड करेगा सेम एज गेट केयर फ्रॉम एस टी डी इन। करेंट पोजिशन में 65 फाउंड हो रहा है इसलिए इससे रिटर्न क्या हुआ, आस्की वैल्यू ऑफ रीडिंग बाइट विच इज 65। देन 65 इज असाइन टू द वेरिएबल पी। इससे जस्ट पहले पॉइंटर का मूव जाएगा ऑन द नेक्स्ट बाइट। आफ्टर रीडिंग वन बाइट करेंट बाइट इट विल मूव टू बफर पॉइंटर ऑन द नेक्स्ट बाइट सेकेंड बाइट। देन रीडिंग बाइट 65 असाइन किस में हो चुका है, कैरेक्टर वेरिएबल पी, मींस इट इज सिमिलर टू असाइनिंग ए। नेक्स्ट वन, फर्स्ट टाइम बफर के अंदर कोई डेटा फाउंड नहीं हो रहा था इसलिए इसने वेट किया। नेक्स्ट टाइम अगेन क्या डिस्प्ले हो जाएगा इससे मॉनिटर डिवाइस मॉनिटर के लिए, प्रिंट एप के थ्रू एंटर सेकेंड कैरेक्टर, एंटर सेकेंड कैरेक्टर इन दैट केस अगेन। लेकिन इस केस में वेट नहीं करेगा, नेक्स्ट टाइम जब गेट केयर फंक्शन कॉल हो, गेट केयर फंक्शन के थ्रू डेटा किस प्लेस से रीड हुआ, फ्रॉम एस टी डी इन। गेट केयर फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है लेकिन अभी बफर के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन फाउंड हो रहा है इसलिए रीड क्या करे, डायरेक्टली एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एस टी डी इन।
फ्रॉम अ करेंट प्लेस इट विल रीड सिंगल बाइट, मीन्स इस केस में वेट होने का कोई चांस नहीं होगा, मीन्स एंटर सेकंड कैरेक्टर इमीडिएटली इस मैसेज के जस्ट बाद रीड क्या करेगा, करेंट बाइट विच इज 66। गेट केयर एंड गेट सी को अगर कंपेयर किया जाए तो गेट केयर गेट सी में अगर एसटीड इन पास किया तो डेटा किस रीड हुआ, एसटीड इन से। अगर किसी अदर बफर का पॉइंटर पास किया देन रीड किया हुआ डेटा फ्रॉम अदर बफर, लेकिन इस केस में गेट केयर ऑलरेडी प्री कनेक्टेड है विद एसटीड इन, इसलिए इस केस में कभी भी बफर का नेम पास करने की नीड नहीं होगी, डायरेक्टली डेटा किस रीड करेगा, एसटीड इन। 66 रीड होने के जस्ट बाद कर्सर कम हो जाएगा ऑन द नेक्स्ट बाइट 67। नेक्स्ट वन रिटर्न क्या हुआ, रीड क्या किया था इसने 66 प्रीवियस वर्ड विच इज असाइन टू द वेरिएबल क्यू, वैल्यू ऑफ क्यू बिकम 66। नेक्स्ट वन अगेन डिस्प्लेइंग नेक्स्ट मैसेज प्रिंट एफ एंटर थर्ड कैरेक्टर एंटर थर्ड कैर, जब नेक्स्ट मैसेज प्रिंट होगा इसके बिटवीन में कोई अदर कैरेक्टर एंटर नहीं हुआ, इसलिए कंटिन्यूस फॉर्मेट इस पे होंगे। नेक्स्ट वन अगेन वी आर कॉलिंग गेट सी फंक्शन, तो गेट सी फंक्शन के थ्रू डेटा किस प्लेस रीड हो, अगेन फ्रॉम स्पेसिफाइड बफर एस टी डी इन, इट विल इंटरेक्टिंग विद एस टी डी इन, देन इट विल रीड्स वन बाइट फ्रॉम करेंट पोजिशन ऑफ द बफर, मीन्स करेंटली अभी बफर कैसा है नॉन एम्प्टी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बाइट्स फाउंड हुआ, इसलिए डायरेक्टली एग्जिस्टिंग बाइट का रीड होगा 67, ASCII वैल्यू रिटर्न है 67। इन 67 रीड होने के जस्ट बाद कर्सर कहाँ सेंड हो जाए ऑन द नेक्स्ट बाइट मींस फोर्थ बाइट, ऑलरेडी प्रीवियस थ्री बाइट्स कंप्लीटली रीड हो चुका, अभी भी अनरीड कैरेक्टर्स कितने फाउंड हो रहा है 268 और 10। नेक्स्ट वन 67 आसान किस में जाएगा आर में, नाउ करेंट वैल्यू ऑफ आर बिकम 67, इट इज इक्वलेंट टू ए बी सी। नेक्स्ट वन इन दैट केस वी आर कॉलिंग अगेन एफ प्लस फोर विच बफर एस टी डी इन, वाट इज द वर्किंग ऑफ एफ प्लस, वी आर डिस्कसिंग इन प्रीवियस एग्जाम्पल एफ प्लस इट विल रिमूव और इट विल फ्लश ऑल कंटेंट्स फ्रॉम अ बफर, अभी देखा जाए तो बफर के अंदर अभी भी अनरीड कैरेक्टर्स फाउंड हो रहा है 68 और 6 और 10, लेकिन इसके लिए वेट नहीं करें, डायरेक्टली एग्जिस्टिंग सारे के सारे कंटेंट्स फ्लश हो जाएंगे, रिमूविंग ऑल कंटेंट्स फ्रॉम अ बफर लाइक दैट। नेक्स्ट वन बफर लॉजिकली एम्प्टी होने के बाद जस्ट बाद अगेन कर्सर कहाँ सेट हो जाए ऑन द फर्स्ट बाइट, मींस आफ्टर कॉलिंग एफ प्लस फंक्शन बफर बिकम्स एम्प्टी। नेक्स्ट वन आफ्टर एफ प्लस वी आर कॉलिंग प्रिंट एफ फॉर गिवन मैसेज एंटर फोर्थ कैरेक्टर, नेक्स्ट टाइम गेट एक्सप्लोर एंटर फोर्थ कैरेक्टर, मींस इसके जस्ट बाद अगेन डेटा किससे रीड हो रहा है, बाय यूजिंग गेट केयर एस इक्वल्स टू गेट केयर, गेट केयर अगेन इंटरेक्ट हुआ विद स्टैंडर्ड इनपुट बफर एस टी डी इन, लेकिन एस टी डी इन अगेन करंटली कैसा फाउंड हो रहा है एम टी बफर, अगेन रिक्वायर्ड क्या हुआ, वी हैव रिक्वायरिंग एंटरिंग सम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट टाइम वी आर एंटरिंग एक्स वाई जेड एंटर की, लाइक इस कीबोर्ड से प्रेस क्या हो रहा है एक्स वाई जेड एंटर की, मीन्स फोर कैरेक्टर, असाइनिंग ASCII वैल्यू ऑफ एक्स ASCII वैल्यू ऑफ वाई ASCII वैल्यू ऑफ जेड देन एंटर की, करेंटली कर्सर किस वर्ड को पॉइंट करा फर्स्ट वर्ड मीन्स एक्स। नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद जैसे गेट केयर फंक्शन रीड करेगा, गेट केयर फंक्शन केस में इनिशियली कोई बाइट फाउंड नहीं हो रहा था इसलिए इस केस में इसने वेट किया, लेकिन जैसे ही एक्स वाई जेड प्रेस होंगे इमीडिएटली रीड क्या कर लेगा, करेंट वाइड फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट बफर एस टी डी इन, वाट इज करेंट वाइड डेटा 88, नाउ इट विल रीडिंग 88, आफ्टर रीडिंग 88 इट विल मूव्स बफर पॉइंटर ऑन द नेक्स्ट वाइट, देन लेकिन इससे रिटर्न क्या हुआ था 88, नाउ दिस 88 रीडिंग वैल्यू असाइन टू द कैरेक्टर वेरिएबल एस, वैल्यू ऑफ एस बिकम्स 88, इट इज इक्विवेलेंट टू एक्स। नेक्स्ट टाइम अगेन प्रिंट एफ फंक्शन के केस में अगेन मैसेज क्या डिस्प्ले हो रहा है एंटर फिफ्थ कैरेक्टर, ऑलरेडी कितने कैरेक्टर रीड हुए ओनली फोर, एंटर फिफ्थ कैरेक्टर,
नेक्स्ट वन, मैसेज डिस्प्ले होने के बाद अगेन क्या कॉल हो रहा है, गेट सी। लेकिन गेट सी से डेटा फिर से किस प्लेस रीड हो, एसटीडीन से, और एसटीडीन में करंट प्लेस पर क्या फाउंड हो रहा है, 89। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगेन सेम फंक्शन से रीड क्या होगा, आस्की वैल्यू 89 रीड होने के बाद कर्सर कम हो जाएगा ऑन द नेक्स्ट वाइट थर्ड वाइट मीन्स 90। रीड क्या हुआ था 89, देयरफॉर 89 इज असाइन टू द वेरिएबल टी, अ वैल्यू ऑफ टी बिकम्स 89, इट इज इक्विवेलेंट टू आस्की वैल्यू ऑफ वाई। देन फाइनली जब प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू पी क्यू आर एस टी के वैल्यू डिस्प्ले कराए गए बाई यूजिंग %c%c%c, एज वी सीन पी क्यू आर एस टी में आस्की वैल्यू किसके स्टोर है, ए बी सी एक्स वाई। इसलिए फाइनली आउटपुट क्या डिस्प्ले हुआ, ए बी सी एक्स वाई, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। इस ईयर वी आर राइटिंग सम कॉम्बिनेशन ऑफ गेट केयर एंड गेट सी फंक्शन एंड एफ प्लस। एज वी सीन हेयर गेट सी और गेट केयर फंक्शन ऑलमोस्ट वर्किंग वाइज सेम है, मीन्स दोनों ही फंक्शन के थ्रू ओनली सिंगल कैरेक्टर रीड करना पॉसिबल है। लेकिन दोनों डिफरेंसेज क्या है, गेट केयर इज अ लाइब्रेरी फंक्शन, गेट सी इज अ मैक्रो फंक्शन, दोनों कैसे प्रीडिफाइंड। नेक्स्ट वन, मैक्रो फंक्शंस के पॉइंटर्स एक्सेस करना पॉसिबल है, पॉइंटर्स क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होगा, जबकि गेट केयर को पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस करना पॉसिबल। वर्किंग वाइज दोनों की वर्किंग कैसे है, एग्जैक्टली सेम वर्किंग्स।